हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें आपको डिवीजन मेथड का यूज़ करके आपको क्या करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करने थे। ओके, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन था इसमें 3249। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम डिवीजन के अंदर रखेंगे यहाँ पे फोर डिवीजन करने के लिए। सो 3249 है पहला स्टेप, मेक द पेयर, पेयर बना दिया। उसके बाद 32 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, तो 5 का होता है। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे, 5 5 जा 25। ओके, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 32 में से आपका 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको मिलेगा 7। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, तो 49 आपको नीचे लेना है, दूसरा पेयर आपको नीचे लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, जो डिविजर है 5 का क्या हो जाएगा, 10 डबल हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो 10 के बाद में आपको यूनिट डिजिट रखनी है अपने मन से कि आपको 749 मिले या उससे छोटा कोई आंसर मिले, नंबर मिले। तो मान लो मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ, क्योंकि 7 रखने पर 7 7 जा 49 होता है। तो 7 रख के उसी से मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 0 0 प्लस 4 4 7 1 जा 7, यानी कि 7 रखने पर और 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 749 मिल जाता है। ओके, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, तो आपको रिमाइंडर 0 0 0 मिल जाएगा। और जो आपका क्वोशंट है वो आपका 57 है, और यही आपका क्या है, स्क्वायर रूट भी है। ओके, 6 पे आ जाते हैं, 1 3 6 9। पहला स्टेप पेयर बनाएंगे। अब 13 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, तो 3 3 जा 9। ओके, सो 3 3 जा 9 हमने कर लिया, सब्ट्रैक्ट किया तो 13 में से 9 जाएगा तो आपको 4 मिलेगा। और सेकंड पेयर आप नीचे ले लेंगे, 4 69, 3 को डबल कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। अब हमें कोई नंबर आपको रखना है यहाँ पे कि 9 4 69 मिले, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 9 का मिलता है, 7 7 जा 49 करने पर 9 मिलता है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 रख के देखेंगे, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 4 46। ओके, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 67 7 जा 469। सब्ट्रैक्ट किया, 0 0 0 मिला, तो आपका जो क्वेश्चन आया 37, और यही आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1369। नेक्स्ट आ जाते हैं 5776। ओके, पेयर बनाते हैं, तो 76 का पेयर और 57 का पेयर हो गया। अब क्या करेंगे, 57 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, तो 7 का होता है, 7 7 जा 49 होता है। तो हमने यहाँ 49 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 में से 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो कितना मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। ओके, 7 को डबल कर दिया, 14, और एक पैर सेकंड पैर हमने निकाल लिया, नीचे उतार लिया, तो आपका होगा 876। अब हम 14 के साइड में आपको नंबर रखना है वहाँ पे, ताकि आपको 876 मिले। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, मान लो 6 है तो आपको 6 6 जो 36 होता है, तो 6 रखते हैं, तो 6 6 जो 36, 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 6 1 6 प्लस 2 8, यानी 876 आपको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या रखा था, 6 रखा था, और 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिमाइंडर 0 और आंसर आया आपका 76। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 7921। पहला स्टेप मेक द पेयर, सेकेंड स्टेप 79 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, तो 8 8 जा 64, और 8 के बाद 9 9 जा 81, 81 ज़्यादा हो गया तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 8 जा 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5, और यहाँ पे आपका 7 में 6 गया 1, और दूसरा पेयर आप नीचे ले लेंगे 21, 8 को डबल करेंगे 16। अब हमें क्या रखना है, यहाँ पे आपको डिजिट रखना है, तो 1 किस पे आएगा, तो 9 9 जा करने पे 1 आता है, तो हम 9 9 जा 81 होता है, तो 1 यहाँ पे, 8 कैरी,
9 6 54, 54 + 8 62, 6 कैरी 9 1 9 + 6 15, तो यहाँ 9 करेंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1521। सब्ट्रैक्ट करने पे 0 0 0 और आपका जो क्वोशंट है 89 है और यही आपका क्या है स्क्वायर रूट है। ओके, तो इस तरह हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। थैंक यू।